नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस टेक्निकल वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा इंटेल कोर i9 प्रोसेसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये अगस्त महीने में इंटेल ने कोर i9 प्रोसेसर जो है लॉन्च कर रहा है 7920X सीरीज। ओके, 7920 का मतलब है कि ये इंटेल कोर i9 का 7th जनरेशन होगा। ओके, किसी भी प्रोसेसर के अगर आप जनरेशन को पता करना चाहते हैं तो आप देखें कि कोर i3, कोर i5 एंड कोर i7 या कोर i9 के बाद क्या लिखा हुआ है। अगर वो 4000 समथिंग, 3000 समथिंग या 5000 समथिंग या 6000 समथिंग अगर लिखा हुआ है तो वो पर्टिकुलर जनरेशन को दर्शाता है। ओके, अगर किसी प्रोसेसर में अगर आप फाइंड आउट करते हैं कि कोर i5 2.2 GHz एंड 5630, ओके, तो ये जो 5630 है माय डियर फ्रेंड, ये 5th जनरेशन को दर्शाएगा। ओके, इससे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये 5th जनरेशन है। ओके, तो इसी तरह अगर आपको कोर i9 के अगर आप लिस्ट पे जाए, इंटेल के साइट पे जाए, वहां फाइंड आउट करें तो कोर i9 जो है 7th जनरेशन से रिलीज हुई है। ओके, इसमें 5 वेरिएंट आने वाले हैं। इस 5 वेरिएंट में से जो दूसरा वेरिएंट है, इसमें से एक जो वेरिएंट थी इंटेल कोर i9 7900 वाली जो वेरिएंट है, ये वाली जो जनरेशन है ये मई या जून में जो है रिलीज हो चुकी थी इंटेल की तरफ से। ओके, ये आपके इंडिया में आप सोच सकते हैं कि Amazon के साइट पे जाएं और आप लिखें Intel Core i9 7900 जनरेशन। ओके, तो आपको वहां पे जो प्राइस निकल के आती है Intel Core i9 की, वो अराउंड 85000 के अराउंड आएगी। ओके, ये आप ये मत समझिए कि ये 30-40000, 20000 या 15000 के अप्रॉक्स अवेलेबल होगा। तो ये जमाना जो है दोस्तों, अब ये धीरे धीरे जा रही है। आप कह सकते हैं कि प्रोसेसर्स आजकल बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं कि जो उसके कॉस्ट हैं वो आप 80,000, 70,000, 90,000, 40,000, 50,000 के जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं, और इवन ये जो इंटेल कोर i9 के 7920 वाली जो प्रोसेसर है ये अराउंड 1 लाख के आसपास होगी। इसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि आज जो हम लोग कंप्यूटिंग जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है या मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ये इतना ज़्यादा इम्प्रूव और एनहेंस होता जा रहा है कि ऐसे में एक हाई पावर प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी। ओके, और ये हाई पावर प्रोसेसर बनाने में काफ़ी कॉस्ट आता है इंटेल को और जो भी मैन्युफैक्चरर कंपनी है प्रोसेसर के। ओके, तो इसमें ये खास बात ये है कि इंटेल कोर i9 के जो प्रोसेसर हैं, इसमें जो कोर है, ये आपको कोर 2, 4 या 6 कोर नहीं मिल रहे हैं। इसमें स्टार्टिंग जो कोर है वो कोर आपको अराउंड 10 कोर से स्टार्ट हो रही है। यानी जो अभी जो फर्स्ट जनरेशन के जो सॉरी 7th जनरेशन में जो पहली जो प्रोसेसर है 7900 वाली, ओके, कोर i9 7900 वाली, उसमें 10 कोर है और वो हाइपर थ्रेडिंग को भी सपोर्ट करता है। यानी हाइपर थ्रेडिंग को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो लॉजिकल प्रोसेसर आप बना सकते हैं वो 20 बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने नंबर ऑफ कोर्स होंगे, अगर आप हाइपर थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं और अपने बायोस में हाइपर थ्रेडिंग को इनेबल करते हैं, तो आपके जो 10 कोर है वो कन्वर्ट हो जाएंगे डबल में, यानी 20 लॉजिकल प्रोसेसर जो है आपके बन जाएंगे। ओके, यानी आप खरीद रहे हैं एक प्रोसेसर इंटेल के कोर i9 7900, ओके, जो कि मई और जून में रिलीज हुई थी, और आप हाइपर थ्रेडिंग के इस्तेमाल से उसको 20 जो है 20 लॉजिकल प्रोसेसर में चेंज कर रहे हैं। यानी एक प्रोसेसर खरीद के आप 20 प्रोसेसर आप अपने सिस्टम में लगा रहे हैं। और एक बात और, जो भी कोर i9 प्रोसेसर्स हैं, ये आपको जो नॉर्मल जो मदरबोर्ड होते हैं 200 सीरीज या 100 सीरीज की, ये सब में सपोर्ट नहीं करेगी। ये 299 मदरबोर्ड जो होगी, X299 मदरबोर्ड में ही ये सपोर्ट कर रही है। यानी आप इसमें जो सॉकेट है, जो इसमें कह सकते हैं जो सॉकेट का जो डिजाइन है, वो LGA 2066 उसके ऊपर लिखा होगा। यानी LGA 2066 वाले सॉकेट में ही ये कोर i9 प्रोसेसर जो है फिट बैठ सकते हैं। और ये कोर i9 प्रोसेसर जो मदरबोर्ड X299 वाली जो मदरबोर्ड है उसमें ये फिट होगी। यानी प्रोसेसर के अकॉर्डिंग मदरबोर्ड का डिजाइन किया जाता है ताकि प्रोसेसर के कैपेबिलिटी को वो समझ सके, साथ साथ उसमें M.2 स्लॉट भी होंगे ताकि आप ऑप्टेन मेमोरी का भी इस्तेमाल कर सके। यानी आज के जो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा रोबस्ट हो रही है। रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि हम लोग आजकल जो है बहुत ज्यादा मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी में इतने इतने ज्यादा जो
इम्प्रूवमेंट हो रही है। रीजन ये है दोस्तों, हम लोग आज वीडियो चैट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं 10 सेकंड्स और 20 सेकंड्स में स्पीडली एकदम जो है डाउनलोड हो जाए मूवी, कोई भी 500 MB या 1 GB की, या 1 मिनट में आप डाउनलोड करना चाहते हैं, 2 मिनट में डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग जो है आप फास्ट चाहते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है फास्ट हो सके, या आप ये कह ले कि अगर आप हाई एंड गेमिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं यानी आप गेम खेलना चाहते हैं, तो आप जो हाई एंड गेम आ रही है वो आपके नॉर्मल कंप्यूटर को सपोर्ट नहीं करेगी, और बड़े बड़े जो गेम है वो आपको हाई पावर प्रोसेसर्स, हाई पावर रैम और हाई पावर जो है ऑप्टेन मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको अपने कंप्यूटर में, देन जाके आप हाई परफॉर्मेंस वाले जो है गेम, हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक जो है डिजाइन कर सकते हैं। साथ साथ आजकल ज्यादा से ज्यादा जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है इसके कारण जो प्रोसेसर है वो भी पावरफुल होना जरूरी है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये काफी कॉस्टली है इंडिया के हिसाब से, क्योंकि आप जो है 30-40,000 के अराउंड लैपटॉप खरीद के ले आते हैं मार्केट से कोर i5 और कोर i7 में, इवन 50,000 के लैपटॉप जो है कोर i5 और कोर i7 में अवेलेबल है, लेकिन ये जो कोर i9 प्रोसेसर है ये हाई एंड यूजर के लिए है, एडवांस यूजर के लिए है जो हाई एंड गेम और ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं, या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलाते हैं जो जिसके लिए प्रोसेसिंग जो पावर है, कंप्यूटिंग जो पावर है उसको ज्यादा चाहिए, तो ऐसे यूजर के लिए कोर i9 और जो ऑप्टेन मेमोरी है इनके कॉम्बिनेशन से उनको बहुत ही पावरफुल सिस्टम मिलने वाला है। तो कोर i9 प्रोसेसर का कॉस्ट ही अगर हम 7900 की बात करें जो कि मई जून में आई थी, उसकी कॉस्ट ही 80,000 के करीब है, 85,000 के करीब है। आप Amazon के साइट पर जाके ये चेक कर सकते हैं, और अगस्त इस महीने में जो है आपके इंडिया में आ जाएगी 7920 या अगस्त या सितंबर में भी आ सकती है आपके इंडिया में, क्योंकि इंटेल की तरफ से जो ऑफिशियल रिलीज डेट आ रही है वो है अगस्त 2017, तो आपके इंडिया में आने में थोड़े वक्त लग सकते हैं, लेकिन ये जो आएगी 7920 वाली जो प्रोसेसर है कोर i9 की, ये आपको 1 लाख के करीब आएगी, क्योंकि इसमें जो कोर्स होंगे आपको 12 कोर्स मिलेंगे, और इसके हाइपर थ्रेडिंग के इस्तेमाल से आप 24 लॉजिकल प्रोसेसर बना सकते हैं, यानी एक प्रोसेसर की जगह पे आप 24 जो है लॉजिकल प्रोसेसर डेवलप कर सकते हैं। और इसमें जो कैसे मेमोरी है दोस्तों, जो कैसे मेमोरी है 2-3 MB, 4 MB, 6 MB की नहीं, बल्कि इवन 12 MB, 10 MB, 15 MB, 16 MB, इवन 25 MB तक कैसे मेमोरी जो है कोर i9 प्रोसेसर पे हो सकते हैं। जो भी 5 वेरिएंट है प्रोसेसर के कोर i9 के, उसमें आपको 25 MB तक कैसे मेमोरी जो है मिलने वाली है, और कैसे मेमोरी के इस्तेमाल से आपके जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी और भी ज़्यादा स्मूथनेस और परफॉर्मेंस जो है बढ़ जाती है, और कैसे मेमोरी जितना ज़्यादा होगा आपका जो प्रोसेसिंग पावर है, आपकी जो कैलकुलेटिंग क्षमता होती है प्रोसेसर की वो हाई जो है स्पीड होती है और बढ़ जाती है। ओके, और ये जो इसमें जो रैम सपोर्ट करने वाली है वो 128 GB और साथ साथ आप कह सकते हैं 2666 जो है FSB है रैम की, यानी 2666 MHz फ्रीक्वेंसी है। फ्रंट साइड बस आप बोल सकते हैं, किसी भी रैम को जब आप परचेज करते हैं तो आप केवल रैम के कैपेसिटी को ना देखें, 2 GB, 4 GB या 8 GB के अगर आप रैम खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, तो केवल रैम के कैपेसिटी को ही नहीं बल्कि आपको उसके FSB पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो कितने मेगाहर्ट्ज पे जो है रैम से डेटा ट्रांसफर कर सकता है, वो रैम का क्या स्पीड है, आप इंटरनली जो स्पीड है कैलकुलेटिंग जो स्पीड है रैम की वो कितनी ज़्यादा फास्ट है, यानी FSB कितनी है। ओके, तो जब आप रैम खरीदने जाएं तो कैपेसिटी के साथ साथ FSB फ्रंट साइड बस यानी इस रैम के फ्रीक्वेंसी को भी ध्यान दें, तो इसकी जो रैम की फ्रीक्वेंसी है वो DDR4 में 2666 MHz की है, यानी 2666 MHz वाली रैम इस कोर i9 प्रोसेसर में सपोर्ट करेगी। साथ साथ ये थोड़ा कॉस्टली है लेकिन इंडिया में आने में अभी टाइम है, इसके 5 वेरिएंट हैं, 7920 अगस्त में इंटेल की तरफ से ऑफिशियली रिलीज डेट है, जो कि सितंबर या अक्टूबर तक आपके इंडिया में आ जाने की संभावना है, और अभी तक जो इंटेल कोर i9 के जो प्रोसेसर अवेलेबल हैं वो है 7900 जो पहली यानी 7th जनरेशन से वो आप कह सकते हैं कि स्टार्ट ही हो रही है, और जैसा कि आप नाम पे गौर कर सकते हैं कि इंटेल कोर i9 7980 इसका सबसे लास्ट प्रोसेसर होगा इस 7th जनरेशन का, यानी बहुत जल्द ही इंटेल नेक्स्ट ईयर या हो सकता है कि 8th जनरेशन भी कोर i9 का लॉन्च कर दे, क्योंकि 7980 ऑलमोस्ट 7th जनरेशन का सबसे लास्ट
प्रोसेसर हो सकता है, और इसके बाद जो भी प्रोसेसर आएंगे कोर i9 में वो आपके i जनरेशन के होंगे। ओके, सो यहाँ पे जो नोटिसेबल पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो 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 बेस फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है वो 3 GHz, 3.2 GHz या 2.9 GHz से लेके टर्बो बूस्ट जो जाएगी वो 4 GHz प्लस भी जा सकती है। ओके, और 3.5 GHz भी जा सकती है। तो टर्बो बूस्ट की जो जो फ्रीक्वेंसी है आपको मोर देन 4 GHz मिलने वाली है, यानी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो 3 point something GHz से या 2 point something GHz से स्टार्ट होके जो टर्बो बूस्ट यानी ऑटोमेटिकली डायनामिकली जो इसकी जो स्पीड फ्रीक्वेंसी जाएगी वर्कलॉड के अकॉर्डिंग वो आपको प्लस 4 GHz भी जा सकती है। 4+ GHz में जो है ये आपको ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट कर सकती है अपने फ्रीक्वेंसी को माइक्रो प्रोसेसर के। सो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कोर i9 अगर आप खरीदते हैं तो कम से कम 20 लॉजिकल प्रोसेसर उसमें होंगे, 20 और मोर देन 20 लॉजिकल प्रोसेसर हो सकते हैं एज पर योर 7900 और 7920 और 7980 प्रोसेसर। ओके, और इसमें जो कैसे मेमोरी होगी वो आपको 10 MB, 12 MB, 15 MB से लेके 25 MB तक कैसे मेमोरी हो सकती है। DDR4 RAM सपोर्ट करेगी 26-66 MHz फ्रीक्वेंसी वाली, और इसमें मैक्सिमम जो कोर i9 प्रोसेसर सपोर्ट करेगी एक कंप्यूटर के अंदर रैम वो होगी 128 GB। ओके, 128 GB तक प्रोसेसर जो है रैम को सपोर्ट करेगी। LGA 2066 प्रोसेस सॉकेट को सपोर्ट करेगी, यानी LGA लाइन ग्रिड एरे LGA 2066 जो सॉकेट है ये आपके X299 मदरबोर्ड में ही अवेलेबल है फिलहाल, और X299 बोर्ड ही कोर i9 के लिए कॉम्पेटेबल है। ओके, सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कोर i9 प्रोसेसर के बारे में। ओके, और अगर आपको नहीं समझ में आती है तो गो बैक हो इस वीडियो के और बार बार आप इस वीडियो को देखें समझें और आपको समझ में आ जाएगी ये कोर i9 एक्चुअली है क्या और कितनी पावरफुल प्रोसेसर है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे लाइक बटन को प्रेस करें, अपने के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।